नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑंको सर्जरी और लंग ट्रांसप्लांटेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी टीम को मेदांता हॉस्पिटल में अपनी चेस्ट की सर्जरी के लिए चुना है। आपने हम पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है और मैं पूरी टीम की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपकी केयर करने में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो हर चीज़ जो आपके लिए की जानी चाहिए, हमारी टीम पूरी तन्मयता के साथ आपके लिए वो सब कुछ करेगी। तो एक बार पुनः आपका धन्यवाद हमको चुनने के लिए। अब जो आपकी पूरी प्रक्रिया है ओपीडी में एक्सेप्ट करने से लेकर के उसके बाद एडमिशन, उसके बाद ऑपरेशन, वार्ड में रिकवरी, डिस्चार्ज, उसके बाद ओपीडी में फॉलोअप और फिर आप ठीक होकर अपने घर वापस नॉर्मल लाइफ में चले गए, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें हम हमारी टीम मेंबर्स करेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको भी करनी पड़ेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी प्रक्रिया के एक एक डिटेल्स समझा देता हूं। हमारे यहाँ 7 कंसल्टेंट्स हैं हम लोग। ये इंडिया की सबसे बड़ी चेस्ट सर्जरी की टीम है। हम 7 में से किसी भी कंसल्टेंट को जब आपने मिल लिया, उनसे डायग्नोसिस वगैरह समझ लिया, जो भी ऑपरेशन उन्होंने आपको ऑफर किया आपने वो एक्सेप्ट कर लिया और आपने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सर्जरी के लिए तैयार हूँ, अब नेक्स्ट प्रक्रिया किया जाए, तो उसके बाद जो कुछ होता है उसको हम 4 फेजेस में बांट सकते हैं। तो अब हम फेज 1 पे आते हैं। जैसे ही आपने कंसल्टेंट्स के द्वारा ऑफर की गई सर्जरी को एक्सेप्ट किया, सबसे पहले आपको ओपीडी में जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो फाइनेंशियल काउंसलिंग आपकी करेंगे कि इसका कॉस्ट वगैरह क्या होता है, आपका जो भी इंश्योरेंस है, TPA है, कैश पेमेंट है या जो भी और गवर्नमेंट एजेंसीज का जहां से भी फंडिंग का है वो सारे डिटेल्स और उनकी जो भी प्रक्रिया होती है उसके डिटेल में जाएंगे। ये पार्ट 1 है हमारी फेज 1 का। उसके साथ साथ आपके कुछ टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, यूरिन टेस्ट होंगे, एक्सरे, ECG या और टेस्ट। इससे पहले जो कंसल्टेंट्स ने आपके CT स्कैन वगैरह कराए हैं वो तो आपके डायग्नोसिस के लिए हैं, लेकिन अब डायग्नोसिस होने के बाद जब आप सर्जरी होगी तो आपकी सर्जरी के लिए फिटनेस एसेस करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं और इन टेस्ट करने के बाद कुछ क्रॉस कंसल्टेशन यानी भिन्न भिन्न विभागों से स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन की जाती है। यह आपकी बीमारी, आपकी उम्र और कौन सी एसोसिएटेड बीमारियां हैं इन पर निर्भर करता है। 35 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को हम एज ए रूटीन हार्ट चेकअप कराते हैं, तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट आपको देखेंगे, जरूरत होगा तो इको, TMT, स्ट्रेस इको, एंजियोग्राफी, जो भी टेस्ट वो उचित समझेंगे वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है, आपको कोई लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या कोई भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित स्पेशलिस्ट से भी हम सलाह लेंगे ताकि ये सारी बीमारियों को सर्जरी से पहले बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सके, जिससे इनसे आपकी सर्जरी की रिकवरी में कोई बाधा ना पड़े। ये सारा कार्य ओपीडी की टीम कोऑर्डिनेट करती है, आपको वहां भेजा जाएगा। जब सब कुछ रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आप NSCCI चेकअप, NSCCI यानी कि जो बेहोशी की दवा देने वाले डॉक्टर्स हैं उनके पास भेजा जाएगा, जो सारी रिपोर्ट्स को देख के आपका फिजिकल चेकअप करके आपकी NSCCI के लिए फिटनेस एसेस करेंगे और फिर वो कहेंगे कि हाँ आप सर्जरी के लिए फिट हैं, आप वापस आएंगे। उसके बाद हमारी टीम के एक डॉक्टर इन सारी चीज़ों को कोलेट करके एक फाइल क्रिएट करके कहेंगे कि यस नाउ वी आर रेडी फॉर एडमिशन। उस स्टेज पे ओपीडी टीम का एक व्यक्ति आपको एडमिशन की प्रक्रिया समझा के एडमिशन ऑफिस में भेज के आपके एडमिशन पेपर्स बनवा के आपको वार्ड में हैंडओवर कर देगा। तो ये सारा का सारा हमारा फेज 1 है जो ओपीडी टीम करती है। अब इसके बाद आप वार्ड के अंदर पहुंचे तो हमारा फेज 2 शुरू होता है। तो वार्ड में हमारे डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं,
फेलोज हैं जो कि चेस्ट सर्जरी की स्पेशलाइज, वो सब सर्जन्स हैं जो अब चेस्ट सर्जरी की स्पेशलाइज ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट की फिजियोथेरेपी टीम है, डिपार्टमेंट के स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स हैं और वार्ड की नर्सेज हैं, टीम लीडर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये सब लोग वार्ड में होते हैं, ये सब आपकी केयर के लिए रखे गए हैं। यूजुअली हम सर्जरी से एक दिन पहले या अगर ज़रूरत होती है तो 2-3 दिन पहले भी पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। वर्कअप के बाद जो दिन आपका सर्जरी का फिक्स्ड है उस दिन सर्जरी होती है। सर्जरी के दिन अर्ली मॉर्निंग स्पेशली जो फर्स्ट केसेस होते हैं, हमारे ओटीज यूजुअली 7:30-8 बजे सुबह शुरू होते हैं, तो सुबह 6:30-6 बजे आपको वार्ड से ओटी पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद समय आने पर पेशेंट को थिएटर के अंदर लिया जाता है। 1 से 1.5 घंटा शुरू में एनेस्थीसिया और बाकी जो सारे मेजर्स होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए लाइंस होती हैं, यूरिन को मॉनिटर करने के लिए कैथेटर होता है, पेन रिलीफ के लिए कैथेटर होता है और कई चीज़ें होती हैं, फिर आपकी पोजीशन की जाती है, फिर उसको क्लीनिंग करके उसको स्टेराइल ड्रेप से कवर किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया सर्जरी से पहले होती है और इसमें प्रायः 1-1.5 घंटे का समय लगता है और उसके बाद फिर सर्जरी होती है। तो इस पूरे पीरियड में जबकि पेशेंट ओटी के अंदर है, रिलेटिव बाहर हैं, सबको बहुत टेंशन होती है, तो हमने एक स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइस किया है जो केवल हमारे यूनिट में ही होता है, जहां हमारी एक क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर जैसे ही पेशेंट थिएटर के अंदर शिफ्ट होता है आपके एक आइडेंटिफाइड नंबर पर आपको फ़ोन करेंगी कि आपका पेशेंट मिस्टर सो एंड सो या मिस सो एंड सो थिएटर के अंदर शिफ्ट हो गए हैं। शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि सर्जरी शुरू हो गई, शिफ्ट होने का मतलब प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर जब 1-1.5 घंटे में एनेस्थीसिया, पोजिशनिंग, ड्रेपिंग, क्लीनिंग, ये सब कुछ शुरू हो खत्म हो जाता है और एक्चुअल सर्जरी शुरू होती है, उस समय फिर वो आपको एक फ़ोन करेंगी कि अब सर्जरी शुरू हो गई है। चेस्ट की सर्जरीज लंबा टाइम लेती हैं और स्पेशली अगर उनको वैट्स या रोबोट से किया जाए तो उसमें चूंकि हाथ नहीं अंदर जाते, हाथ बाहर रहते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे लिए चीज़ को ठीक तरह से करना, कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज या अवॉइड करना समय से ज़्यादा कीमती है, इसलिए कभी हम घड़ी को देख के नहीं ऑपरेशन करते। तो प्रायः चेस्ट की सर्जरी में 5-6 घंटे या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। इस पीरियड में यूजुअली 2 से 3 घंटे में हमारी कोऑर्डिनेटर्स आपको फ़ोन करती रहेंगी कि मिस्टर सो एंड सो की सर्जरी चल रही है, सब कुछ ठीक है और अभी इतना समय और लग सकता है। आपको जो समय पहले कहा गया है, अगर कोऑर्डिनेटर्स के कन्वे करने में वो समय एक्स्ट्रा लग रहा है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कभी कभी अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स होती हैं अंदर या कुछ होता है तो उसमें हम ज़्यादा समय लेते हैं, तो वो आपको बताती रहेंगी कि अभी इतना समय और लगेगा, इतना समय। जब सर्जरी ओवर हो जाएगी तो वो आपको कॉल करके आईसीयू में बुलाएंगी। एज ए पॉलिसी हम लोग चेस्ट सर्जरी के बाद 100% पेशेंट्स को आईसीयू रखते हैं, क्योंकि चेस्ट सर्जरी एक मेजर सर्जरी है और हम कभी भी ओटी से पेशेंट्स को वार्ड सीधे नहीं शिफ्ट करते। तो जब पेशेंट आईसीयू जाएगा उसका मतलब ये नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया या पेशेंट सीरियस है, हर चेस्ट सर्जरी का पेशेंट सर्जरी के बाद आईसीयू जाता है, ओवरनाइट वहाँ रहता है। तो जैसे ही पेशेंट आईसीयू में पहुँच के स्टेबलाइज होगा वो हमारी कोऑर्डिनेटर आपको फिर बुलाएंगी आईसीयू के बाहर। एक डॉक्टर जो भी उस केस में स्क्रब्ड होंगे वो आपको सारी फाइंडिंग्स बताएंगे, वो आपको स्पेसिमेन भी दिखाएंगे और एक व्यक्ति कुछ मिनट के लिए अंदर जाके पेशेंट से मिल भी सकता है और उसके बाद जो भी कंसल्टेंट्स ने किया है केस वो भी आपको डिटेल उस समय या बाद में जब भी वो फ्री होंगे आपको सारी डिटेल्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे कंसल्टेंट्स राउंड लेते हैं और उसके बाद 95% ऑफ द टाइम्स अगर सब पेशेंट ठीक होते हैं तो उनको वापस आईसीयू से लंच टाइम तक वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने के बाद हमारी नेक्स्ट यानी कि फेज 3 शुरू होती है, जिसमें पेशेंट वार्ड में आ जाते हैं या तो एचडीयू जो आईसीयू और वार्ड के बीच की एक
मॉनिटरिंग प्लेस है वहाँ, या रूम में, जैसा भी आपकी कैटेगरी हो वहाँ आपको शिफ्ट किया जाता है। इस पीरियड में जो आपने दो चीज़ें बहुत ध्यान देनी है वो है फिजियोथेरेपी, क्योंकि चेस्ट की सर्जरी के बाद सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है लंग का पूरी तरह ना फैलना, जिससे लंग में निमोनिया और इन्फेक्शंस की टेंडेंसी होती है, जिसके लिए पेशेंट को खूब गहरा सांस लेना, फिजियोथेरेपी करना, जो हमारी फिजियोथेरेपी टीम नियमित रूप से आपको बताएगी, उसको रिजिडली रिलीजियसली फॉलो करना, ये निहायत ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए। थोड़ा बहुत पेन सब पेशेंट्स को होता है, हम लोग पेन के लिए जितनी संभव दवाइयाँ हो सकती हैं वो सारी दवाइयाँ हम देते हैं, लेकिन वो पेन को मिनिमाइज कर सकती हैं, ज़ीरो नहीं कर सकती, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत पेन हो उसको टॉलरेट करके फिजियोथेरेपी एडवाइस को माने, एक। और दूसरा, सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए डाइट बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर एंटीबायोटिक्स, बीमारी वगैरह वगैरह की वजह से भूख कम हो जाती है, पेशेंट को खाने का मन नहीं करता, तो अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो बॉडी में वेट लॉस होगा, बॉडी की हीलिंग कम हो जाएगी और जो वूंड्स वगैरह हैं उनकी हीलिंग पुअर नहीं होगी। तो प्रॉपर हीलिंग, प्रॉपर वूंड रिकवरी के लिए कैलोरीज और प्रोटीन दोनों को लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी डाइटिशियंस लगातार इस बात की एडवाइस देंगी, लेकिन मैं अभी से आपको बताना चाहता हूं कि डाइट प्रॉपरली लेना और फिजियोथेरेपी करना, यह फेज 3 में वॉल्ट के अंदर सर्जरी से रिकवरी के बहुत अहम पार्ट्स हैं। इस बीच में प्रायः 2 ट्यूब्स आपके होती हैं जिसको बॉटल से या मशीन से कनेक्ट किया जाता है, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें आपको दी जाती हैं। वार्ड में रेगुलर बेसिस पे ट्वाइस ए डे हमारे कंसल्टेंट्स राउंड लेते हैं, हमारे जो फेलोज हैं जो खुद चेस्ट सर्जन्स हैं वो वार्ड में ड्यूटी पे होते हैं, नर्सेज होती हैं, कोऑर्डिनेटर्स होती हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होती हैं, ये सब लोग वार्ड के अंदर मौजूद हैं, ये सब आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, और ये सब वहाँ एक ही पर्पस के लिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो करके अपने घर जाएं। वो आपके मित्र हैं, आप उनमें से किसी से भी बात करके जो भी आपकी तकलीफ हो वो शेयर कर सकते हैं, और आई एम श्योर ईच वन ऑफ देम वो आपको एक दोस्त के रूप में वार्ड में नजर आया। हमने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है कि न केवल हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें बट उसके साथ साथ आपके कंफर्ट्स का, आपके स्ट्रेस को कम करने का और आपके इस स्ट्रेसफुल पीरियड को मिनिमम स्ट्रेस के साथ गुजार पाने का हम पूरा प्रयास करते हैं, तो आप इस सिस्टम का अवश्य फायदा उठाएं। जब आप रिकवर हो जाएंगे, इसमें 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7-8 दिन डिपेंडिंग ऑन दी डिजीज एंड ऑपरेशन ये लगते हैं, तो उसके बाद फिर आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज के समय आपको एक डिटेल्ड डिस्चार्ज समरी दी जाती है जो हमारी एक नर्स कोऑर्डिनेटर आकर के आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी। और डिस्चार्ज समरी के अंदर आपका डायग्नोसिस क्या था, आपका ऑपरेशन क्या हुआ, आपकी फाइंडिंग्स क्या थी, वो सब चीज़ें डिटेल में एंटर की जाती हैं। और डिस्चार्ज समरी में आपने घर जाके कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, कौन सी पेन किलर लेनी है, कौन सी और दवाएं लेनी है और क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। बट मैं फिर इस बात को स्ट्रेस करूँगा कि दवाएं अपनी जगह हैं, लेकिन 2 चीज़ें सर्जरी के बाद कॉमन रहती हैं वार्ड के स्टे में भी और घर जाने के बाद भी, और वो है डाइट और फिजियोथेरेपी। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको वार्ड से जब रिकवरी हो जाएगी तो डिस्चार्ज किया जाएगा। कभी कभी ट्यूब्स के साथ डिस्चार्ज किया जाता है और कभी कभी ट्यूब्स वार्ड में निकल जाती है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो डिस्चार्ज के टाइम हमारी फेज 3 खत्म हो जाती है और उसके बाद फेज 4 शुरू होती है, जिसमें आप डिस्चार्ज होके यहाँ से हॉस्पिटल से घर जाते हैं। बट घर का मतलब ये नहीं कि आप बाहर से जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे, वो कभी संभव नहीं है। मिनिमम 2 वीक्स हम हर पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल यानी मेदांता हॉस्पिटल के आसपास गुड़गांव में या नियर बाय एरियाज में रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि अक्सर आपको ट्यूब के साथ डिस्चार्ज किया जाएगा, वूंड्स भी होंगे, मेडिसिंस चल रही होंगी, तो चेस्ट सर्जरी के बाद कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय अवश्य चाहिए होता है, जिसमें
हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार या मोर फ्रीक्वेंटली एज रिक्वायर्ड आपको ओपीडी में आना होगा। हम में से जो भी कंसल्टेंट्स हैं जिसने सर्जरी की है या अगर वो बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो हमारी 7 लोगों की कंसल्टेंट की टीम में से कोई ना कोई मेंबर आपको ओपीडी में अटेंड करने के लिए हमेशा अवेलेबल होता है। आपको ओपीडी में अटेंड किया जाएगा, जो जो एडवाइस हैं वो दी जाएंगी और समय आने पर ओपीडी में वो ट्यूब्स वगैरह निकाल दी जाएंगी, वुंड्स के स्टिचेस वगैरह निकल जाएंगे। सब कुछ रिकवरी हो जाने के बाद फिर एक वक्त आएगा रफली अबाउट 2 to 3 weeks आफ्टर सर्जरी, जब आपको कहा जाएगा कि रिपोर्ट भी आ गई है, रिपोर्ट के बायोप्सी रिपोर्ट के बेसिस पे अगर आगे कोई फर्दर थेरेपी वगैरह है नहीं है तो वो सब एडवाइस आपको देख करके फिर आपको वापस घर जाने के लिए कहा जाएगा। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जब आप घर जाएंगे उस समय भी दवाओं के अलावा 2 चीज़ों के लिए आपको बार 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 कहा जाएगा। एक है फिजियोथेरेपी, यानी गहरा सांस खींच के रोकना, जो हमारी फिजियोथेरेपी टीम आपको विस्तार से एक्सप्लेन करेगी, और दूसरा डाइट, यानी कि प्रॉपर खाना। ये फिजियोथेरेपी और डाइट, इन 2 चीज़ों के बिना चेस्ट सर्जरी से रिकवरी नहीं हो सकती है। तो ये हमारा फेज 4 है, जो डिस्चार्ज के बाद ओपीडी में फॉलो अप हो करके रिपोर्ट आ जाने, वुंड्स ठीक हो जाने, स्टिचेस निकल जाने और बाकी आगे लॉन्ग टर्म डूज एंड डोंट्स, आपको घर जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की सारी एडवाइस दे करके आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले गए। तो ये फेज 4 होता है। तो इस तरह मैंने आपको ओपीडी में से लेकर के फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इन सब के डिटेल्स एक तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार अवश्य देखें और इन सारे स्टेप्स को समझने की और इनमें जिस जिस जगह पर आपके द्वारा किए जाने वाली किसी कार्य का मैंने विवरण दिया है उसको समझें और उसको आप नियमित रूप से करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम और हमारी टीम का हर मेंबर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा। हमारा प्रयास, आपका प्रयास और ईश्वर की कृपा, जब ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो कोई कारण नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक होके अपनी लाइफ में वापस जाएंगे। एक बार फिर हमको अपनी केयर में चूज करने के लिए मैं डिपार्टमेंट की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी रिकवरी की कामना करते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।